This channel's content is strictly for educational and informational purpose and does not endorse or promote any form of violence, harm, illegal activities, self-injuries and communal disharmony. Mr. Pathan, this is Mopia welcoming you from Zee 24 Ghanta Studio. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहली बार शायद आपको ये जो बंगाल का वोट वो देखने को मिला और उसके साथ पार्टिसिपेट करने का, कॉन्टेस्ट करने का मौका भी मिला। तो हाउ वॉज योर डे? मुझे बहुत अच्छा लगा और सुबह से शाम तक मैंने हमेशा बंगाल के बारे में सुना था कि यहाँ पे वोटिंग जो होता है, मतदान जिस दिन होता है वहाँ पे लोग बहुत एक्साइट होकर मतदान करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैं कैंडिडेट था यहाँ पर बहरामपुर से और यहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छे से मतदान किया, बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान किया, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत पॉजिटिवली और बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान ख़त्म हुआ। तो कितना उम्मीद कर रहे हैं आप, क्योंकि आप जिसको टेकन कर रहा है वो 5 times MP है, अधीर रंजन चौधरी, ही इज़ अ बिग नेम इन इंडियन पॉलिटिक्स। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और बहुत सम्मान दिया, मुझे बहुत मोहब्बत दी, बहुत दुआएं और आशीर्वाद है उनकी कि मैं यहाँ से जीतूँगा और बहरामपुर के हर वासी जो है यहाँ के लोग जीतेंगे। सिर्फ यूसुफ पठान यहाँ पर नहीं जीतेगा, यहाँ पर बहरामपुर जीतेगा और यहाँ के जो भी लीडर्स और जो भी कर्मी और जितने भी लोग बहरामपुर की भलाई के लिए काम कर रहे हैं वो सारे लोग जीतेंगे यहाँ पर। मिस्टर पाठान, एक बात बताइए कि अगर आपको जीत के एक सांसद होके काम करना है भलाई के लिए बहरामपुर को, आपको पहचानना है, आपको उसके बारे में सोचना है, उसका जो पब्लिक है वो क्या चाहते हैं, उसका क्या मांग है, ये सब जानना है। जो अधीर रंजन चौधरी जो इसका ही नोज ईच एंड एवरी ग्रास ऑफ दिस बहरामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो आप को कितना मौका मिला बहरामपुर को पहचानने के लिए, कितना फेथ आपके ऊपर बहरामपुर का जो वोटर्स है उसका है? देखिए, जिस दिन से यहाँ पर मैं आया हूँ तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है। यहाँ पर यहाँ के जो लीडर्स है, यहाँ के जो लोग है उनके बारे में मुझे जानने के लिए मिला है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जनता जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट चाहती है, यहाँ पे जो काम इतने सालों से नहीं हुए वो चाहती है। यहाँ पर जूट का काम बहुत अच्छा हुआ करता था, सिल्क का काम बहुत अच्छा हुआ करता था, थर्मल कोल का काम जो है, तो ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ है इनको बेहतर करनी है और इनको डेवलप करना है ताकि यहाँ के लोगों को जॉब मिले और यहाँ के लोग जो बाहर जाके काम करें तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो कि यहाँ पर आके काम करें और बहरामपुर का जो भविष्य है वो उज्जवल बनाए। यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं और उनको चाहिए कि यहाँ पे यहाँ से बच्चे भी देश के लिए खेले और राज्य के लिए खेले, देश का नाम रोशन करें। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि उनकी जो मांगे हैं और जो चाहते हैं यहाँ पर हो वो सारी बातें उन्होंने मेरे साथ की यहाँ पर, तो मैं ये सारी चीज़ें और ये काम करने के लिए यहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मैं हमेशा उनके लिए काम करता रहूँगा। तो आप जिस जिसको टेक ऑन किया, इसमें बीजेपी का भी सपोर्टर है, यू आर फ्रॉम गुजरात, तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पे जो बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो मोदी का नाम पे और मोदी का विकास के नाम पे वो वोट मांग रहा है? तो आप गुजरात से हो, यहाँ पे बहुत बार बीजेपी ने गुजरात का जो मॉडल वो मॉडल को दिखाया है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, मैं सम्मान करता हूँ हर लीडर का और उनका भी सम्मान करता हूँ और यहाँ के लोगों के लिए मुझे भलाई के काम करने हैं और मुझे मौका मिला है और यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मुझे अभी से उन्होंने मुबारकबाद देना स्टार्ट कर दिया है। तो गुजरात मॉडल या बंगाल मॉडल, जो विकास का जो मॉडल है, गुजरात मॉडल या बंगाल का मॉडल, किसको आप आगे रखेंगे? दीदी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं यहाँ पर और दीदी का जो मॉडल है, बंगाल मॉडल है, उसको आगे बढ़ाना है। उसके जो काम है, उन्होंने जो काम किए हैं उनको तेज़ी देनी है। देखिए, गुजरात जो डेवलप हुआ है वो एक अलग तरीके से डेवलप हुआ है और दीदी का जो सोच है और जो उन्होंने अभी तक काम किया है लोगों के लिए उसको और तेज़ी देनी है और मुझे बहुत आसानी होगी उसके लिए, क्योंकि दीदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ पर, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ पर, उन्होंने डेवलपमेंट के बहुत अच्छे काम किए, रोड्स यहाँ पर बहुत अच्छे बने हैं
और लोगों के लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो उस काम को मुझे आगे बढ़ाना है और जो बंगाल मॉडल है उसको और बड़ा करना है। तो मिस्टर पाठान एक बात बताइए कि डू यू नो वाई तृणमूल कांग्रेस हैज चोजन यू एज द कैंडिडेट ऑफ बहरमपुर? उन्होंने इसीलिए मुझे चुना है ताकि मैं बहरामपुर में आऊं और बहरामपुर के लोगों के लिए काम करूं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूं और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए सोचता रहूं हमेशा, और इसी वजह से मुझे उन्होंने चुना है और ये ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है और यहाँ के लोगों ने भी मुझे ये ज़िम्मेदारी अभी से सौंप दी है। जब से मैं यहाँ पर डे वन से आया हूँ तब से उन्होंने, यहाँ के लोगों ने और यहाँ की जनता ने मुझे वो ज़िम्मेदारी सौंपी है। मिस्टर पाठान, आप नेशनल टीम पे खेले हो, हम सारे लोग आपको एक हमारा जो आइडल वो मानते हैं, तो कभी हम जो हमारा जो क्रिकेटर्स है, हमारा जो 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 आइडल्स है, वो तो एक अलग सा एक इमेज है, लेकिन वो इमेज को लेकर आपका ये जो वोट का जो जो चुनौती है, इसमें कितना वो रिफ्लेक्ट करेगा, कितना आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वोट में? देखिए, मैं मुझे पूरा भरोसा है कि जो छवि मेरी है और देश को मैंने हमेशा गौरव दिलाया है, देश को हमेशा सम्मान दिलाया है और देश के लिए हमेशा जहाँ पे भी गया हूँ तो मैंने सम्मान दिलाया है और बहरामपुर के लोग अच्छे से जानते हैं, देश के लोग अच्छे से जानते हैं। मैं जो भी काम करूंगा देश के लिए और वहाँ के लोगों के लिए, मैं भलाई के काम करूंगा और हमेशा उनको गर्व महसूस हो ऐसे काम करता रहूंगा, क्योंकि मैंने देश को गर्व दिलाया है तो मैं अपने स्टेट को भी गर्व दिलाया है, यहाँ पर मैं बंगाल को भी गर्व दिलाया है और अब आगे भी दिलाता रहूँगा। इफ यू विन, व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी मिस्टर पठान? मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाओ बच्चों के लिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं स्टेट के लिए खेले, देश के लिए खेले और देश को सम्मान दिलाए, देश के लिए मेडल लाए। उसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्रीज जितनी भी है उनके लिए काम करूँ, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पर बाहर जाके काम करते तो उनको यहाँ पर काम मिले और यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उसको एक ग्रोथ मिले, ताकि यहाँ के लोगों का भविष्य और उज्ज्वल हो और जितने भी यहाँ पर टूरिज़्म भी अच्छा हो सकता है तो उसके पीछे भी मैं काम करूँगा, ताकि यहाँ की टूरिज़्म को भी एक मौका दिया जाए, लोगों को आने के लिए वेलकम किया जाए और यहाँ की ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं, जो बिल्डिंग्स है उसको देखने का मौका दिया जाए। इफ़ यू लूज, बहरमपुर का जो लोग हैं उसको क्या मेरे पास यूसुफ पठान को देखने का मौका मिलेगा? दिया ही नहीं है डे वन बहरामपुर के लोगों ने मुझे वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। उन्होंने मुझे डे वन से ये कहा है कि हम आपको जिताएंगे, और जब आपकी जनता और वहाँ के लोग अब जब ये कहते हैं कि हम आपको जिताएंगे, मतलब उन्होंने आपको चुन लिया है और उन्होंने मुझे ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया है कि आप यहाँ से हारोगे, और मैंने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। और मैं बहुत उम्मीद से ये कहता हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस से ये कहता हूँ कि यहाँ के लोगों ने मुझे यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा है। दरअसल मैं एक बात आपको बता दूँ, मैं कैंपेनिंग कर रहा था तो एक गमछा बांधना था और मैं वो गमछे को बांध के गांठ लगाया, तो मेरे साथी लोगों ने कहा कि जिस तरह से आपने ये गांठ लगाई है उसी तरह हम आपको गांठ लगाएंगे ताकि आप यहाँ बहरामपुर छोड़ के नहीं जाए। तो ये यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिया है। मैंने उनसे कहा था कि अब ये गांठ बैल से भी नहीं खुलेगी, अगर बैल को भी ये गांठ मार दोगे तो ये बैल भी नहीं तोड़ पाएगा। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था कि हम भी आपको इसी तरह से बांधेंगे यहाँ पर। मिस्टर पाठान, आप कितना अभी जान पहचान बहरमपुर के साथ हुआ है, यू मस्ट बी अ फिटनेस फ्रीक, बट वो बहरमपुर का जो मिठाई है, जो बहुत ही फेमस मिठाई है, आपको पता है वो क्या है? बिल्कुल, चना बोरा है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है और बहुत सारी स्वीट्स है। और मैं वो सभी बहनों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी सारी स्वीट्स खिलाई है जितनी मैंने घर पे भी नहीं खाई। जहाँ पे भी मैं गया हूँ
मुझे खानी थी या नहीं खानी थी, उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने मेरे मुंह में डाल के पूरे इतने बड़े बड़े रसगुल्ले, इतने बड़े बड़े चना भोरे मुझे खिलाए हैं, तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैंने सारे तरह के स्वीट्स यहाँ पे ट्राई किए और खाया भी है मैंने यहाँ पे सारे स्वीट। जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बांग्लार आवाज, बांगाली आवेग, जी 24 घंटा।